डी मैथमेटिक्स यूनिट 22 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 22.1 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट डाउन इट्स सैम्पल स्पेस एस एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. स्टूडेंट्स, हमें सैम्पल स्पेस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सैम्पल स्पेस होती क्या है. किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं. पार्ट ए, ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 8 कार्ड्स लेबल्ड MNOPQRST. ये सैम्पल स्पेस ही है, क्योंकि ये सारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स है तो हम सैम्पल स्पेस को लिखते कहते हैं S और कर्ली ब्रैकेट, और ये तमाम आउटकम्स MNOPQRST, ये तमाम के तमाम जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये सैम्पल स्पेस में भी आएंगे. तो कितने सैम्पल स्पेस हैं? नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज 8. पार्ट बी, ड्रॉ अ डिस्क फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 6 रेड डिस्क एंड 9 ब्लू डिस्क. तो अब हमने इसकी सैम्पल स्पेस लिखनी है, तो हमारे पास 6 रेड डिस्क हैं, तो रेड डिस्क को हम 6 टाइम्स लिखेंगे. तो हम रेड के लिए R इस्तेमाल कर लेते हैं और ब्लू के लिए B इस्तेमाल कर लेते हैं. तो हम रेड डिस्क कितनी है जी? 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. और ब्लू डिस्क कितनी है आपके पास? इट्स 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस लिखी गई. और टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं जनाब? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज 15. पार्ट सी, चूजिंग 2-डिजिट नंबर्स एट रैंडम. 2-डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं जी? 2-डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से. सो 10, 11, 12 एंड सो ऑन, और कहाँ पे ख़त्म होंगे? 99 तक. 10 से पीछे 9 है जो सिंगल डिजिट नंबर है, 99 से आगे 100 है, 3-डिजिट नंबर है. तो दिस इज़ द सैम्पल स्पेस. अब हमने इसकी लिखनी है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स. तो हमारे पास क्या है जी? 99 माइनस 10 इट इज़ 89. लेकिन स्टूडेंट, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 89 नहीं है, ये हमारे पास है टोटल 90. तो आप इसमें 1 ऐड करें, क्योंकि हम पहला डिजिट एक्सक्लूड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें 99 आंसर मिलता है. तो आप इसमें 1 ऐड करें. जब भी आप सब्ट्रैक्ट करके टोटल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो आपने हमेशा 1 ऐड करना है, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हेयर इज 90. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 90. चूजिंग 3-डिजिट नंबर, 3-डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 100, क्योंकि 100 से पीछे 99 है, जो कि 2-डिजिट नंबर है. 100, 100, 01, 102 एंड सो ऑन, और कहाँ पे जाते हैं जी? 999. अब 999, अब आपने चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं. तो 999 में से आपने जब 100 माइनस किया तो 99, 899, इसमें आप प्लस 1 ऐड करें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे 900. तो आप इधर लिखेंगे जी 900. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये एरर नहीं करना है, बड़े ध्यान से ये चीज़ को आपने क्लियर रखनी है. चूजिंग 2-डिजिट परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, परफेक्ट स्क्वेयर, जैसे कि 2 का स्क्वेयर 4 होता है, 2 स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4. लेकिन ये तो 1-डिजिट नंबर है, और यहाँ पे इसने 2-डिजिट नंबर की बात की है, तो वी विल नॉट सिलेक्टिंग. 3 स्क्वेयर इज़ 9, तो 9 इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर, वी विल नॉट सिलेक्ट इट.
4 square is equal to 16. तो 16 is a perfect square and 2 digit number. तो अब हम sample space लिखते हैं, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, and 9 square is equal to 81, and 100 square, 10 square is 100, जो हम select नहीं करेंगे. So total number of sample space हमारे पास कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6. The total number of sample space is 6. D Mathematics, Unit 22, Probability, Exercise 22.1, Question number 2. Question number 2, students. Cards with numbers 22, 32 are placed in a box. A card is picked at random from the box. Find the probability of picking even numbers, number bigger than 37, number divisible by 3, number less than 28, all these parts. Let's solve all these parts one by one. Students, सबसे पहले हमें sample space लिखनी पड़ेगी. ये sample space क्या है? And we know that the all possible outcome is called sample space. तो sample space को हमें लिखने का तरीका हम पिछले question number 1 में सीख चुके हैं. और card numbers 22, 32, तो तमाम numbers जो 20 और 32 तक हैं वो हम लिखते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 32. These are all possible outcomes. In mein se koi ek number bhi draw ho sakta hai, pick ho sakta hai. So total number of possible outcomes kitne hue? So number of possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Aap 32 mein se 20 minus kare, आपके पास आता है 12. और हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं कि जब हम सबट्रैक्ट करके करते हैं तो 1 को ऐड करते हैं, जो टोटल पॉसिबल आउटकम इज 13. इवन नंबर्स, इन्हें हम चेक करते हैं जी, इवन नंबर्स कितने हैं जी. इवन नंबर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, इवन नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2. 1 2 एंड 3 सो 4 5 6 एंड 7. तो हमारे पास 7 इवन नंबर हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू 7 ओवर 13. नंबर बिगर देन 37, हमारे पास जो मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 32. तो 37 की प्रोबेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल. तो इसकी जो हमें पता है कि जो जिस नंबर की जो नंबर इम्पॉसिबल हो, जो इवेंट इम्पॉसिबल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0. तो 0 ओवर 13 इज इक्वल टू 0. अ नंबर डिविजिबल बाय 3, वो नंबर जो 3 के टेबल में आते हैं या जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो वो कौन कौन से नंबर हैं. हम इसके पहले नंबर लिख लेते हैं, दैट इज अ 21 एंड देन 24 इज अ 24, 25, 26 is 27, and 30, और मेरे ख्याल से इससे अलावा कोई नंबर नहीं है. तो आपके पास कितने नंबर हैं जी, 1, 2, 3, 4, और 4 नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, वो इवेंट जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं. और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, इससे 13. फॉर 4 आउट ऑफ 13 इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन टू, पार्ट डी. पार्ट डी देखते हैं जी, पार्ट डी में क्या है. अ प्राइम नंबर लेस देन 28, तो हमारे पास नंबर 20 से 28 तक हैं. तो प्राइम नंबर की हमें डेफिनेशन आनी चाहिए. प्राइम नंबर हैज़ टू फैक्टर, वन एट इटसेल्फ. तो 21, 22, 23 इज़ अ प्राइम नंबर. 24, 25, 26, 27, 28, 29 is a prime number. 30 and 31 is a prime number. तो हमारे पास तीन prime numbers हैं 20 से लेके 32 तक.
20 से लेकर 32 तक जो है हमारे पास तीन प्राइम नंबर हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये देखना है नंबर लेस देन 28, तो 28 से जो कम प्राइम नंबर है वो हमारे पास एक ही है, और वो कौन से है जी, 23। तो इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास सिर्फ एक ही इवेंट है जो कि 28 से कम है और वो प्राइम नंबर भी है। तो हमारे पास 20 पॉसिबल आउट, इसका नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होगा जी, 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है हमारे पास, 13। इसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/13। नंबर बिटवीन 25 to 31 एक्सक्लूसिव। स्टूडेंट्स, आपको ये टर्म इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव आनी चाहिए। एक्सक्लूसिव मीन कि ये दोनों नंबर इस लिस्ट में शामिल नहीं होंगे, और अगर इसकी जगह पे इंक्लूसिव लिखा जाता तो इस मीन कि ये दोनों नंबर इसमें शामिल होंगे। तो नंबर बिटवीन 25 to 31 एक्सक्लूसिव, तो हमारे पास कितने इवेंट्स बनते हैं, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो नंबर हमारे पास जो इवेंट्स बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आई 5 नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सो 5/13। अ नंबर फ्रॉम 21 till 28। अब हमें इसी सेंटेंस से अंदाज़ा करना पड़ेगा, फ्रॉम 21, इसका मतलब 21 इसमें शामिल है, टिल 28 तक, और 28 भी इसमें शामिल होगा। सो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमारे पास 8 इवेंट हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 8 नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस है 13। डी मैथमेटिक्स यूनिट 22 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 22.1 क्वेश्चन नंबर 3। अ टू डिजिट नंबर रिटन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी बिगर देन 30 एंड पार्ट बी द ऑड नंबर। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस लिखनी पड़ेगी कि सैंपल स्पेस क्या है। तो टू डिजिट नंबर की सैंपल स्पेस, वी नो दैट द टू डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड 11, 12, 13 एंड सो ऑन और अप टू 99 से ऊपर 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये टोटल कितने नंबर्स हैं, इनकी तादाद कितनी है, तो 99 - 10 89, और हम इसको सीख चुके हैं कि इसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को कैलकुलेट करने के लिए, इट वुड बी 90। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 90। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिगर देन 30, तो बिगर देन 30 कितने नंबर हैं, तो 30 से जो बड़ा नंबर है वो स्टार्ट होगा 31, 32 एंड टिल 99। अब ये नंबर कितने हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 99 में से 31 को माइनस करते हैं, सो 9 - 1 = 8 एंड सो 6 एंड वी नो वी हैव टू ऐड 1। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो कि 30 से बड़े हैं वो हैं जी 69। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर बिगर देन 30, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज 69 डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 90, तो 69/90। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कैलकुलेट करनी है, तो हमने चेक करना है कि टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 90 है, तो 90 नंबर्स में से हाफ नंबर ऑड होंगे और हाफ नंबर इवन होंगे, तो 45 आपके पास ऑड नंबर होंगे और 45 इवन नंबर्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, नंबर ऑफ इवेंट्स 45 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 90। पार्ट सी, मल्टीपल ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 के वो नंबर जो कि 3 के टेबल में आते हैं, जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ इवेंट
कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि ये नंबर ऑफ़ इवेंट कितने हैं कि जो कि मल्टीपल ऑफ थ्री हैं। जो उनके थ्री के टेबल में आ जाते हैं, तो सबसे पहला नंबर जो टू डिजिट है 12, 15, 18, 21, 24। आप इस तरीके से टोटल नंबर्स चेक करेंगे जो मल्टीपल ऑफ थ्री हैं, जो कि थ्री के टेबल में आ जाते हैं या थ्री से डिवाइड हो जाते हैं, इट विल गो अप टू 99। तो ये आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है, ये जो टोटल नंबर्स बनते हैं, ये आपके पास बनते हैं 30। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इट वुड बी 30। और टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारे पास कितनी है जी, 90। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ थ्री, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 30 और टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 90, और योर आंसर इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, हमने प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमें सबसे पहले टू डिजिट प्राइम नंबर देखने पड़ेंगे कि वो कितने हैं। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स जिनके टोटल नंबर ऑफ़ प्राइम नंबर्स जो आपके पास आ गए हैं वो हैं जी 21। इन्हें अगर आप काउंट करो तो ये 21 बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारे पास 90 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर अब हमने लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सैम्पल इवेंट्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हैं जी 21, और टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितनी है 90। तो योर फाइनल आंसर इज़ 21/90।